इतनी घटिया है कि इनमें कुछ पता ही नहीं पड़ता। बस लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, आगे मत पूछो कहाँ लाइट है, क्या है, क्यों है। तो सर यस बेटा, सर जब न्यूटन कॉर्पस थ्योरी गलत थी सर, इतने सारे लोगों ने बिना उसको बुना कोई रीजन दिए कैसे मान लिया? बिकॉज ही वॉज न्यूटन। तुम बोलोगे, हम बोलेंगे उसकी तो भी हाई गलत वैल्यू थी इस समय। हाँ है। पहले उसने बहुत सारी सही चीजें बोली, बहुत सारी चीजें। न्यूटन ने कितने थ्योरीज दी है, मतलब कितने साइंस में लॉज या थ्योरीज दी है, एनी आइडिया? न्यूटन ने मैथ में भी बहुत कुछ किया है। राइट यस सर। न्यूटन ने मोर देन 600 लॉज दिए हैं फिजिक्स, फिजिक्स में और बहुत सारे आते हैं, बट वो कुछ सम इंसिडेंट हैपेंड कि बहुत सारा वर्क जल गया था। हाउ न्यूटन डाइड बाय द वे, एनीबॉडी नोज? एनीबॉडी नोज हाउ न्यूटन डाइड? चलो ठीक है, छोड़ो, लीव इट। सर आई थिंक ही डाइड इन स्लीप। Died in sleep because of depression. And what was the cause of depression? Because his almost 4 years of research work got completely burned because of his बताओ। dog. एडिसन बाद ने बल्ब बाद में बनाया, न्यूटन पहले। तो उस टाइम तक वो कैंडल्स और वो डिफरेंट डिफरेंट जो वो जला के लाइट्स यूज करते थे। एंड ही वेंट फॉर द डिनर एंड हिज डॉग नेम डायमंड। सो एक चूहा आ गया उसके ऑफिस में एंड ही वाज ट्राइंग। सो जो डायमंड ने कोशिश की उस चूहे को भगाने की, एंड इन दैट प्रोसेस कैंडल गिर गई थी एंड द होल पेपर वर्क वाज बर्न टू एशेस। इट वाज 4 इयर्स रिसर्च, मतलब पता नहीं, सच तो पता नहीं, बट ऐसी कुछ स्टोरी है। एंड बिकॉज ऑफ हिज ही कुड नॉट, ही गॉट डिप्रेस दैट बाई सच ए हार्ड वर्क। सो मतलब बच गए हम लोग, दो चार किताबें और होती फिजिक्स में भी बोल सकते हो एटलीस्ट। तो वो 600 का 1000 भी हो सकता था। एनीवेज ओके, सो न्यूटन ने बहुत सारी चीजें सही भी बोली, इसलिए न्यूटन की बात पे भरोसा किया और न्यूटन की बात को ही सही मान लिया, अज्यूमिंग कि न्यूटन वुड बी करेक्ट। बट ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बनती हैं, फिर कभी कभी सेम साइंटिस्ट बोल देते हैं आई एम सॉरी आई वाज रॉन्ग, सम टाइम्स सम अदर पर्सन प्रूव्स इट। ओके सर। ओके राइट, सो हमने शायद लास्ट इसी पॉइंट पे छोड़ा था कि एक तो पहले थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी विच वाज फुल ऑफ फ्लॉज, बहुत सारे उल्टे सीधे अजम्पशन थे। इट डज नॉट हैव एनी कंक्रीट एविडेंस, इट डज नॉट गिव एनी सॉलिड लॉजिक व्हाई लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स एंड अवे। फिर हाइगेंस की वेव थ्योरी आई विच वॉज काइंड ऑफ परफेक्ट, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इट वॉज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बेस्ड, जो हम पढ़ेंगे नॉट इन 10th में भी। हाइगेंस वेव थ्योरी वॉज, दो इट वॉज अ थ्योरी बट इट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेल एंड इट एक्सप्लेन्ड ऑल द फिनोमेना करेक्टली एंड देयर फोर राइट। सो हाइगेंस वेव थ्योरी प्रपोज दैट लाइट इज अ वेव। इट वॉज कंफर्म बाई मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ऑल द इक्वेशन आर फिटिंग इन टू लाइट ऑल्सो। एंड हाइगेंस वेव थ्योरी वॉज अज्यूम टू बी बेटर, अज्यूम टू बी करेक्ट, बट देन अ न्यू फिनोमेना वॉज ऑब्जर्व, दैट वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई बाई वेव नेचर और हाइगेंस वेव थ्योरी। इट वॉज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अनदर थ्योरी विच इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी डजंट से दैट लाइट इज पार्टिकल, लाइट हैज पार्टिकल लाइक नेचर अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। And what are those circumstances? What are those phenomena? When light strikes the surface, as long as propagates it's like a wave. When it collides with any surface, whether it is a metal surface or any, it delivers energy in the form of packet. It does not give all of its energy
in one go. It gives energy in the form of packets, and those packets of energy is called photon. And this photon behaves like particle. It's not exactly a particle, but behavior is somewhat similar to particle. So just the particle collision mein apna force apply karta hai. Similarly, this exert force, and because of that force, only the electron comes out. जो वेव थ्योरी थी, हीट करते जाओगे तो वो धीरे 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 कंटिन्यूअसली एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ओनली इट विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द मेटल. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट वॉज नॉट हैविंग एनी टाइम डिले. एज सून एज यू इंसिडेंट लाइट और एनी अदर रेडिएशन ऑन इट, द लाइट कम आउट, द इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा एक और भी इफेक्ट था बट वो अभी छोड़ देते हैं. कॉम्पटन इफेक्ट, वो हम ट्वेल्थ में भी नहीं पढ़ते. देयर आर टू ऑफ दीज फिनोमेना ऑब्जर्व्ड कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द हाइगेंस वेव थ्योरी, सो दैट कंफर्म्ड हाइगेंस वेव थ्योरी इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीट. देयर मस्ट बी अनदर बेटर एक्सप्लेनेशन. मैक्स प्लैंक गेव दिस थ्योरी, बट मैक्स प्लैंक कुड नॉट यूज दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, द फिनोमेना ऑफ photoelectric effect. Who explained photoelectric effect? Einstein. And Einstein got Nobel Prize for it. So, अभी जो हमारा conclusion आया वो क्या? Light is actually a wave, but light shows particle-like nature under certain circumstances, certain phenomena. And vice versa is also true. Like we are made up of particle, we can also be wave. We can also convert into wave or something like that. So every particle has a wave, every wave has a particle nature. So that's why now we call it dual nature. Dual nature of light or matter or radiation, कुछ भी बोलो. Particle wave की तरह और wave particle की तरह behave कर सकते. हम wave की तरह कब बन जाएंगे? Under what circumstances will behave like a wave? Yes, the very first chapter we talked about this. Sir, जब हमारी velocity speed of light के equal होगी. Speed of light के आसपास होगी, right? As we increase our speed and speed become closer to the speed of light, our mass start getting converted into energy, and that energy is the form of wave. So it is basically some under some condition. जैसे हमारे लिए है कि हम light speed of light is the criteria. If we go exactly at the speed of light, we will be completely gone. We will be converted in the form of energy. Energy in the form of wave. Right? चलो. अब हम क्या करते हैं? ये समझ लेते हैं कि इसमें जो दो behavior है, ये कैसे differentiate होता है with the help of an example. Light भी same है and suppose source भी same है. There is some laser light source. अभी just for the example, हम एक candle बना लेते हैं. Suppose this candle is a hypothetical candle which produces only one single laser kind of light. और सामने cardboard रखा, cardboard में hole and there is a screen on it, in front of it. तो ये शायद class 8th में activity भी है. Prove that light travels in a straight line. हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ से लाइट निकलती है, लाइट क्रॉसेस थ्रू दिस एरिया, सो दिस अपर्चर, एंड इट फॉर्म्स अ पॉइंट डॉट ऑन दिस स्क्रीन, राइट? दिस कंफर्म्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, नो डाउट अबाउट इट. अब एक हायर लेवल पर भी हम 12th में भी करते हैं, वरना कॉलेज में तो करते ही है. दूसरा ऐसा ही कुछ समवॉट सिमिलर एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक स्लाइड स्लाइड तो पता ही होगा आपको, लैब में यूज की होगी या देखी होगी. ग्लास की होती है ना, ऐसे स्ट्रिप टाइप की. Yes. उस पे कुछ ब्लैक कलर का पेंट लगाते हैं और ब्लेडर ब्लेड की या रेजर की शार्प एज से हल्का सा एक कट. दिस इज अ कट बाय द शार्प एज ऑफ द ब्लेड, या सपोज हम किसी पिन के टिप से एक छोटा सा होल कर दे. एंड दिस सेम सोर्स, सेम स्क्रीन, सब कुछ सेम है. तो हम इसको पिन के टिप वाला एग्जांपल समझ लेते हैं, कंपेयर करने में इजी होगा. ये लैब में जो करते हैं वो मैंने बताया, रेजर की जो होती है स्क्रीन, एक छोटा सा पिन टाइप, पिन के टिप से हमने होल करते हैं. सेम सोर्स, एवरीथिंग इज सेम, सेम डिस्टेंस. अभी जो लाइट यहाँ से जाएगी, द लाइट दैट पासेस थ्रू दिस वेरी स्मॉल अपर्चर, इट डेविएट्स इन ऑल द डायरेक्शन. इट डज नॉट गेट फोकस्ड only at one point, it will form a whole circular spot.
टेक दिस। क्लियर? गॉट इट? सर एक बार ये लास्ट का फिर से समझा दो। फिर समझ लेते हैं। लाइट सेम है, सोर्स सेम है, स्क्रीन भी सेम है। डिफरेंस क्या है? ये एक कार्डबोर्ड था, उसमें हमने एक होल किया, इसका साइज रिलेटिवली काफी बड़ा है। दिस कंफर्म्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक ए पार्टिकल। एक छोटा सा पार्टिकल है, होल से पास हो गया, यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है, एंड दैट इज नाउ नाउ इफ इट इज लाइक पासिंग थ्रू सेम लाइट सेम डिस्टेंस पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल पिन साइज होल। पिन की टिप से हमने छोटा सा कुछ होल कर दिया इस पे, देन देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से लाइट जब इसमें आएगी तो यहाँ पर आके और फिर वो वेव की तरह हर एक डायरेक्शन में जाती है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ना मिलके वी विल गेट अ होल सर्कुलर अपर्चर और सर्कुलर सर्कुलर पैटर्न। सो वॉट एग्जैक्टली हैज चेंज्ड इज ओनली दिस साइज। सपोज हम इसका डायमीटर या साइज ए ले लेते हैं। फॉर द सेम लाइट when this size of aperture is very very large as compared to wavelength the light seems to be traveling in a straight line. hai abhi bhi ye wave hi hai, lekin jo wave mein ye disturbance ho raha hai ya jo deflection hai wo itna chhota hai ki hum usko detect nahi kar sakte. we consider it to be like a straight line. samajh gaye? हमने पढ़ा था ना डिफ्रैक्शन, बहुत छोटे से होल से या अपर्चर से कॉर्नर से। द डिफ्रैक्शन फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड ओनली एंड ओनली व्हेन द साइज ऑफ अपर्चर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर ये कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का था तो यहाँ भी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होना चाहिए। जब बड़ा साइज है तो लाइट आ रही है और वो डेविएट ना के बराबर होगी, है तो वेव जानी ऐसे ही चाहिए, बट दिस डेविएशन इन दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सो वी कैन कंसीडर इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। सो लाइट का जो बिहेवियर है या लाइट की जो हम स्टडी करेंगे वो दो अलग अलग पार्ट में करते हैं। एक पार्ट में जिसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइज के लेंस, मिरर, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, एवरीथिंग। We will consider light to be traveling in a straight line, और light के path को हम एक ray से represent करते हैं, that's why it's called light ray. और इससे जितने भी हम study करेंगे that all comes under ray optics, या इसी का दूसरा नाम है geometrical optics. Why geometrical? क्योंकि ये actual में geometrical तरीके से बनाई गई है, या हम इसमें एक assumption use कर रहे हैं actual path का. Actual path was wave. बट वो वेव जो है वो इतनी कम डिफ्लेक्ट हो रही है दैट वी अज्यूम इट टू बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन। यू अंडरस्टूड दिस लास्ट पॉइंट? यस सर। आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकता हूँ मैं। लाइट के हमने जो लास्ट क्लास से लेके अभी तक कुछ समझा था कि बहुत सारे फिनोमेना हमें ऑब्जर्व होते हैं, एंड दैट फिनोमेना विल बी डिफरेंट अबाउट। अब वो किस किस मामले में डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, दैट विल डिपेंड अपॉन हम किस सिनेरियो में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेम सिचुएशन सेम क्वेश्चन, जब आगे से जब ये जो लाइट है ये लाइट पास हो रही है किसी बड़े होल से, सो लाइट आई सीधे निकल गई जस्ट लाइक इट इज अ पार्टिकल और बॉल पासिंग थ्रू दैट होल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन जो हुआ वो इतना कम है कि हमें पता ही नहीं पड़ेगा देयर इज सम डिफ्लेक्शन, राइट? जब ये बहुत छोटा सा होल होगा लाइट आ गई वहीं पर रुक गई, एंड नाउ इट इज डिस्पर्स लाइक अ वेव इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हमने कुछ स्कैटरिंग बोली थी ना लास्ट क्लास में,
छोटे छोटे पार्टिकल पे लाइट आती है, इट इज अब्सॉर्ब बाय दैट पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इमिट द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन 360 डिग्री दैट वाज. सो यहाँ पर अभी जो पॉइंट ये था कि लाइट सेम है, सोर्स सेम है, वेवलेंथ सेम है, मीडियम सेम है, सब कुछ सेम, इसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो रहा है द साइज ऑफ द अपर्चर जिसके थ्रू वो लाइट पास. The size of the aperture through which light passes will decide the behavior, whether it is behaving like a particle or it is behaving like a wave. When this size is very, very large as compared to wavelength, it will be particle-like nature. Particle-like nature means it will be moving like a straight line and that path is represented by a ray. This is called light ray. और इसके basis पे हम जितनी भी ray पढ़ेंगे, जितनी भी हम light observe करेंगे, that all comes under the ray optics. जो आपने अपने अभी level पे 10th में जो भी पढ़ी है reflection reflection, उसमें हम light के path को ऐसे कुछ straight line से represent कर देते हैं. Correct? Understood ना? Yes. बेटा ये समझ आ रहा है? Light actual में wave है, जैसे यहाँ disperse हो रही है वैसे यहाँ भी disperse हो रही है, but वो because of the size, because of the distance, वो इतनी कम है कि हम उसको negligible assume कर लेते हैं and we consider the path to be like a straight line. In a straight line, like a light ray. Understood? Yes. Yes, sir. दूसरे वाले में अब इसका जो नेचर हो रहा है वो वेव की तरह है. This is moving like a wave, और इसको हम पढ़ते हैं wave optics में. So wave के दो अलग अलग optics के हम दो अलग अलग study करते हैं. Depending upon the size of the medium, size of the aperture involved. As a ray, as a particle, not exactly particle, but yes, at least it is moving in a straight line like a ray, and the another one is like a wave, it gets dispersed in all the directions. Sahan, understood? Yes, sir. So light is actually a particle or a wave? So it is a wave, but sometimes it acts like a particle. It is? Sir, am I audible? Yeah, audible. Your volume is quite low. Speak little bit louder. I'm saying light is like a wave and it acts sometimes like a particle. Yeah, so if you, the question is what is light? Light is actually a wave only. Light is electromagnetic wave. But that wave is like a particle under some circumstances. One of them was this photoelectric effect, and how that is explained, that also we will understand. But wave hai ya particle hai, that is not a question. This is both. But actual mein wave hai, behavior is similar to that of particle under certain phenomena, certain circumstances that we have kind of categorized. What is the explanation? What is the explanation of this? Why the size? Because when the size is small, then it will be absorbed first. It will not move like a straight line. And then from that point, there is a wave that will be traveling or that will be propagating energy in the form of wave front. But these theory could not explain the photoelectric effect. Another theory was proposed that light is a wave, but it always transfers energy in the form of packet called as photon or also called as quanta. अब जो अभी हम पढ़े हैं इसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो आपने अभी 10 में पढ़ी है या पढ़ रहे हो या पढ़ोगे. एंड दैट इज एक्चुअली एन अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ द रियल. सो हम इसको अभी कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द अजम्पशन, व्हाट इज द कंडीशन अंडर व्हिच रे ऑप्टिक्स रिमेन्स वैलिड, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और वैलिडिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. बिकॉज एक्चुअली इट इज not the fact. The fact is that light is a wave. वो wave की तरह disperse हो जाती है, but कितने distance तक, किस size तक हम उसको एक particle की तरह या एक straight line में traveling assume कर सकते हैं, that we have to. So light has dual nature. Dual nature में particle और wave nature दोनों आ जाता है. अब हम mirror या lens अभी करेंगे बात, then it is obviously a very big size as compared to, किससे comparison कर रहे हैं, wavelength. And what is the wavelength size? What was the wavelength? 4000 angstrom का मतलब हो गया 4×10⁻⁷ meter to 7500 angstrom, 7.5×10⁻⁷ angstrom. ये sorry कितने meter? Angstrom को value put करने के बाद
इतने मीटर, तो 4×10⁻¹ मीटर, मतलब 0000000 4, such a small, I mean like, so this is practically जब भी हम डेली लाइफ में लाइट वो देखेंगे मिरर में लेंस में, it such a small size object will not be available, not be a practical thing. So we'll obtain light in the form of, we'll observe light to be in a form of straight line like a light ray only. तो ये हमने अभी ना थोड़ा सा background समझाया सिर्फ light का, कि light actual में कैसे develop हुई और उसको हम क्यों दो अलग अलग part में study करते हैं. जैसे interference, diffraction, all these comes under wave optics part. Reflection, refraction, that comes under ray optics part or geometrical optics part. ठीक है, so let's not waste much time. अगर तो कोई doubt तो पूछ सकते हो. How photoelectric theory was explained, that also we will see at the end. That's not the part of this chapter, but we can try to understand how it is. Yes, clear, right? So next is reflection of light. So थोड़ा मतलब की चीज पढ़ लेते हैं. अभी तक तो सिर्फ history समझ रहे थे. The understanding of reflection of light. Light है एक wave, but उसके path को हम एक straight line में ray की जैसे represent कर लेते हैं, as long as the size is very very small. Fine. So reflection of light, ये तो आपने पढ़ा है शायद ना CBSE class में, the bouncing back of light into the same medium. अच्छा, अगर ये polished हो या ना हो, in both case there will be reflection. By the way, if there is a medium boundary separating two medium, हर एक medium पे reflection जरूर होगा. Light is incident, it goes back into the same medium. First one is a polished surface or maybe mirror. Second is not a polished surface, two different medium, air to glass. So if there is a medium boundary separating just a second, give me one second. Yeah. So reflection के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे medium polished ही हो. It will be reflected from any surface, any medium boundary, ऊपर air है नीचे glass है या glass to water, reflection will always take place. When we polish it, तो light आगे नहीं जाएगी, या तो उस polish ने absorb कर ली, or it will be completely back, completely reflected back. That depends upon what material has been coated. Jaise agar hum paint lagate hain ya kuch bhi aisa, then it will be absorbed by the paint. Agar hum kuch silver iodide ya aisa kuch material lagate hain, then it becomes a mirror. It becomes a mirror means it becomes a perfectly reflecting surface. Reflection of light is bouncing back into the same medium, but light is incident on the medium boundary, not necessarily a polished surface. This is the incident light. The perpendicular at the point of incidence is called normal, and this is reflected light ray. So incident light ray should be precise. This is reflected light ray. Same here, so short form I'll write incident, reflected, and normal. Even though the surface is not a plane surface, any curved surface, polished or unpolished, will also have the reflection and following the similar type of principle. Any light is incident, we draw perpendicular. So there are two laws of reflection. ये सब आपने शायद बोर्ड में CBSE क्लास में पढ़ा है. Just for the sake of completion, we are doing it here. क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से है बताना पार्थ. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस.
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड. एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle R is angle of reflection. Same will be applicable everywhere. I is equal to R. Here also I is equal to R. The light gets reflected back into the same medium. What is the second law? So that both the rays are on the same plane. Both. The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. All lie in the same plane, right? The incident light ray, or you said both two lines will always be in a plane. Not both. Yes, sir. I mean. तो ये इन्हीं पे नंबर कटते हैं. You have to be very specific when you write a law or when you write a definition. The incident light ray. Normal at the point of incidence. And reflected light ray, all three lie in the same plane. Utkarsh, iska kya matlab hai? All three lie in the same plane? What does that mean? Kush? Yes, sir. All three light ray lies in same plane. What does that mean? So it means that all of the rays, the incident, reflected, and the normal form the same point on the mirror. Okay. ये जो इसका मतलब ये लाइट अगर इधर से आ रही है नीचे इन दिस प्लेन ऑफ दिस पेपर सपोज इट कैन नॉट गो अप और डाउन द प्लेन इट विल ऑलवेज बी इन द सेम प्लेन. सो अगर हम इन तीनों से बनाए तो एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा. दिस विल मेक अ ट्रायंगल इफ यू ज्वाइन दिस लाइट रे इंसिडेंट एंड दैट ट्रायंगल विल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल and reflected light ray. All three will lie in this triangle only. We use this in the class 12th when we write the equation in the vector format. We'll do vector also after the end of this syllabus and all. So incident light ray, normal and reflected light ray, all three lie in the same plane. That's reflection, very simple. रिफ्लेक्शन में 100% रिफ्लेक्शन वैसे आइडियली कभी भी नहीं होगा बिकॉज सम विल ऑलवेज बी अब्सॉर्ब्ड बट वी कैन अज्यूम दैट 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द सरफेस इज पॉलिश्ड लाइक अ मिरर और व्हेन इट इज जस्ट अ टू मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री देन इट कैन नॉट बी 100% देयर विल बी सम रिफ्लेक्शन एंड सम अब्सॉर्प्शन एंड सम रिफ्रैक्शन ऑल्सो. प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस, एवरीवेयर द सेम लॉज आर फॉलोड एंड बाय दैट वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द लाइक सपोज आपने ये पढ़ा होगा कनकेव मिरर में. Okay, so Parth, what happens to the light ray if it comes parallel to the principal axis? I'm just assuming that you know these common terminology. Sir, it goes through focus. Why? Why not any other point? You understood this? Question, you understood my question? Yes, sir. Why through focus? Why not any other point? So, can I? Abida? So you're asking if the ray of light is parallel to the focus, principal axis, right? Parallel to the principal axis. Why does it pass through the focus? That's the question. Sahan? I give you a hint also, I draw these normals. Actually, there's nothing but it is following the law of reflection. Is curved surface pe, concave mirror pe, when you draw this
normal, the angle at which light ray is incident, it will be reflected back exactly at the same angle. This light ray, the normal that is extended, any circular aperture or any sphere, if you drop a perpendicular, that perpendicular will always be intersecting exactly at the center. So because F is the midpoint, ye same distance pe, I am assuming that all of you knows the center of curvature focus. Ishan? Yes, sir. Center of curvature kya hota hai? What is the definition of center of curvature? Sir, it is the center of the sphere from which the spherical mirror is cut. Sir, you are muted. Yes, boss. Yeah. So in any curved surface, जब light आएगी तो वो वहां पर ऐसा कुछ random सा नहीं था, that it is just following any other principle. It is still following the same law of reflection. ये जो light ray center से जो ये perpendicular है, this is normal. Incident light ray जितने angle पर आती है, उतने ही angle पर ये reflected light ray will pass. And it will be passing exactly through the midpoint, क्योंकि center और pole के बीच का जो midpoint है, that is the focus. राइट समझ गया ना ये तो ये जितने भी इसमें आपने चार पांच रूल पढ़े थे सब में सेम लॉजिक था जैसे वन ऑफ द प्रिंसिपल वाज इफ लाइट रे इज इंसिडेंट एट पोल क्या होता है इसका पावर इफ अ लाइट रे इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स बाय एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज यहाँ पर जो पोल पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे दैट विल बिकम द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली इंसिडेंट लाइट रे जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पे वापस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सो देयर इज नॉट एनीथिंग न्यू इट इज द सेम लॉ व्हिच इज बीइंग फॉलोड राइट सो ऐसे कनकेव में ऐसे कन्वेक्स में हर जगह पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके लाइट का पाथ निकाल सकते हैं लाइट का पाथ पता कर सकते हैं हाउ इट इज गोइंग टू अवे अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन से लाइट हमें फिनोमेना कौन कौन से ऑब्जर्व करते हैं व्हाट आर द फिनोमेना दैट वी ऑब्जर्व आप पढ़ चुके हो ना ये प्लेन मिरर एंड ऑल इन द स्कूल सो वी विल फर्स्ट कंसीडर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस एंड देन सेकंड में वी विल सी द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस So reflection से light, reflection से image कैसे बनती that we have to try, we have to understand. First is image formation. Image formation by reflection of plane surface. Image formation by plane mirror. तो अभी हम अपने convenience के लिए हर जगह पे mirror ही use करेंगे otherwise there will be reflection both. Just give me 1 minute, I'm just getting a call.
यस सॉरी फॉर दी ये प्लेन मिरर है जस्ट फॉर दी अभी हमें समझना क्या ये समझना थोड़ी इसमें कुछ टेक्निकल चीज है जो हम पढ़ते नहीं है स्कूल लेवल पे दिस इज अ ऑब्जेक्ट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इमेज टू फॉर्म आदित्य what is the most important sir reflected ray should meet bolo yes reflecting surface polished surface polished surface nahi ho tabhi hota reflection yaar kabhi humne piche padha hai aapko polished surface ki zarurat nahi hai aap pani mein khade ho water ke upar khade ho to bhi every surface will be reflecting surface agar do taraf ki reflected ray should meet कौन बोला कबीर ईशान यस सर रिफ्लेक्टेड रे शुड मीट ओके एनीवन एल्स सर देयर शुड बी लाइट रे देयर शुड बी लाइट यस There should be light. Yes. Light कहाँ से आएगी? There should be light source. बेटा light कहाँ से आएगी? किसी source से. जैसे हम जब diagram बनाते हैं, जब हम diagram ray diagram बनाते हैं, सर एक object रख देते हैं. But object तो light थोड़ी produce कर रहा है भाई. हम सीजे में सगल देखते हैं अपनी हमारी आंखों से थोड़ी निकल रही लाइट यू अंडरस्टूड दिस जब रे डायग्राम बनाते हैं तो हम लाइट रे यहां से निकालते हैं ऐसे अब आप खड़े हो मिरर के सामने अपनी सगल देख रहे हो तो आपकी आंखों से लाइट थोड़ी निकल रही है राइट बेटा ये पॉइंट समझ में आया या तो वो खुद एक बल्ब हो कि उसकी खुद की अपनी लाइट है राइट अदरवाइज वी हैव टू हैव सम अदर लाइट सोर्स सपोज कोई बल्ब टंगा हुआ है आप सनलाइट में खड़े हो जो उस ऑब्जेक्ट से होके आ रही हो सम लाइट फ्रॉम द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन यू एंड देन इट इज थ्रू यू इट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर इस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट नहीं अगर है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं बोल सकता है कि हमने कोई बल्ब लगा दिया इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग अ सोर्स देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ लाइट दैट्स द प्राइमरी कंडीशन अंधेरे कमरे में कितना भी बड़ा मिरर ले लो यू विल नॉट बी एबल टू सी योर इमेज सो सपोज एटलीस्ट टू लाइट रेज चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एंड दीज टू पॉइंट्स वेयर इट इज इंसिडेंट एट बोथ द पॉइंट देयर विल बी रिफ्लेक्शन फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे वापस सो ईशान दीज टू लाइट रेज विल नेवर इंटरसेक्ट एक्चुअली ये जो लाइट रे इंटर इधर से वापस होके आ रही है ये तो हमें दिखेगी नहीं कभी इंटरसेक्ट होगा नहीं वर्चुअली हो जाएंगी वो क्या होता है सब मिरर के पीछे सर द इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर सर बिहाइंड द मिरर कुछ नहीं है भाई धोखा है वो इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन अगर आप मिरर पकड़े हो सामने आप मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हो और आपने किसी आदमी को सामने खड़ा कर लिया अ पर्सन इज सपोज स्टैंडिंग हियर परपेंडिकुलरली इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा इसको मिरर दिखेगा इसको ये इमेज तो नहीं दिखेगी यस सर वो किसको दिखेगी केवल वो को दिखेगी अगर पीछे कोई इमेज है तो सबको दिखनी चाहिए विच मीन्स इट इज नॉट देयर नहीं समझे तो ये समझ आ गया कि क्यों नहीं दिखेगी पीछे वर्चुअल इमेज कॉन्सेप्ट इज फ्लॉड इट्स इल्यूजन कुछ है नहीं वहां पे हमें वर्चुअल इमेज हमें क्या किसी को नहीं दिख सकती भाई वहां लाइट है ही नहीं लाइट मिरर को आगे गई ही नहीं फिर हमें दिखता क्या है Are you getting this? थोड़ा मतलब अरे illusion होता है मतलब बस वो illusion भी कहीं तो है तभी तो दिख रहा है ना दिख क्यों रहा है एक second
यस बॉस, इल्यूजन का मतलब कुछ तो होगा भाई, तभी तो दिख रहा है ना, हमारे ब्रेन में तो इमेज प्रोसेस होके पहुंच रही है। यस यस सर। अरे आंसर करो, यस नहीं मतलब क्वेश्चन था ये। यस सर। हम जो देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है फिर, हमें जो दिख रहा है वो क्या है? ये तो धोखा है, वर्चुअल इमेजेस नथिंग। लाइट कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो आगे फैलती जा रही है। ऑफिशियल लाइट इंटरसेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इमेज रख दो, यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक फिल्म रख दो, इज जस्ट अपीयर टू मीट, दे डोंट एक्चुअली मीट, सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक अ वर्चुअल इमेज। अपीयर टू मीट मींस व्हाट? अपीयर टू मीट तो मैं बोल दूं यहां हो रहा है, मेरे सामने दिख नहीं रहे मुझको इमेज। अपीयर टू मीट तो इसके लिए भी है ना, I'm just trying to give you a little insight ताकि आपको ये जो physics है थोड़ी understanding level पे भी है। एक तो रट लिया हमने, हाँ light है, reflect हो गई पीछे, appear to meet मतलब क्या, होनी तो चाहिए, meet तो करनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और है तो केवल हो के लिए क्यों है, सबके लिए होनी चाहिए appear to meet। Why it is not the person, not for the person who is standing perpendicularly, not in front of mirror? Are you getting my question? पहले तो question yes, ये है आपको मेरी बात समझ में आ रही, भावना है कि यस हम दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन दिस बुक में कहीं होता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप समझ लो, फील कर लो। आधे ज्यादा जादूगर इसी का खा रहे हैं, मोस्ट ऑफ दोज मैजिशियन ओपी शर्मा टाइप। 90% ऑफ द मैजिक ट्रिक इज ऑप्टिक्स ओनली, सम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड ऑल। ओके, पहले अभी यहाँ पे क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट देयर इज नथिंग, देयर इज नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज बिहाइंड द मिरर। ना कोई लाइट पीछे जा रही है, ना मिल रही है, ना कुछ है, ये धोखा है सिर्फ। क्यों धोखा है ये? क्योंकि ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द मिरर, कहाँ गई है? जो सामने पर्सन है, जो भी पर्सन है, whosoever, थोड़ा मैं डायग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके आई में एक असली वाला लेंस है। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये स्कूल स्कूल में परेशान मत करना टीचरों को, नहीं मारेंगे भी उल्टा और नंबर भी काट लेंगे। व्हाट वी सी इज नॉट दिस, व्हाट वी सी इज दिस, जो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी रेटिना पे एक रियल इमेज बन रही है। उस सामने वाले पर्सन को ये तो दिख ही नहीं देता, वो किसी को नहीं दिखता, वहां कुछ है ही नहीं। Nice. ये क्या है? जो सामने खड़ा हो उसी की आंख का लेंस है, या अगर आप मिरर सेल्फी ले रहे हो तो आपके कैमरा लेंस है। ईशान? यस सर। ये समझ आया? यस सर। नहीं सर, तो सर हमें ऐसा क्यों अपीयर, आपने जो पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर नहीं सर, ये तो समझ आया सर, जो आपने पूछा था मुझे उसका आंसर नहीं मिला। आंसर मिलेगा, पहले ये बताओ कि ये समझ जाना एक्सप्लोरेटरी डायग्राम इज दिस, ये जो पर्सन है या जो जो भी अपने तो सर फिर स्कूल में गलत क्यों बता रहे हैं? अरे यार यही कह रहा था, ये करना मत शुरू करना, स्कूल में गलत गलत कुछ नहीं पढ़ा रहे, उतना ही पढ़ा रहे जितना बुक्स में लिखा है, उससे आगे उनको अलाउड नहीं है। सर बुक धोखा दे रही है मतलब? हाँ वो तो बहुत बड़ा धोखा है, वो फ्रॉड है, स्कैम है, क्या किया जाए सर, जितना किताब में उतना ही स्कूल वाले पढ़ा रहे होंगे। हाँ मतलब ठीक है, पढ़ना पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप डिसीजन रटो और लिख लो, फील भी तो आनी चाहिए यार, है क्या ये कल को कोई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम समझ लेते हैं, वो छोड़ो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिबेट, उसको हम अभी नहीं करते। ऑब्जेक्ट मिरर के आगे लाइट बिल्कुल नहीं जा सकती, कुछ नहीं है वहां पे, कोई मिरर रखो, फोटो को कैप्चर करना चाहो कि बाद में देखेंगे, अपनी अपनी आज सुबह की शक्ल हम स्टोर कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम कैमरे में पिक करते हैं कि रात में आके देखेंगे सुबह कैसे लग रहे थे, इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस यू टेक अ मिरर सेल्फी। मिरर सेल्फी के लिए एक और कैमरा चाहिए, और वो ये कैमरा है, जैसे अभी अगर आप अपनी खुद की इमेज देख रहे हो तो आई लेंस है, इफ यू यूज द मिरर देन इट विल बी, देन इट विल बी द मिरर इमेज जो भी उस कैमरे के लेंस से पास हो रही है। अब हमारा जो ब्रेन है वो इतना खतरनाक बनाया है भगवान ने कि यह जो इमेज बन रही है वो खुद परसीव कर लेता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, अच्छा ये इधर कहीं से आ रही है। So this is actually a virtual object. वो थोड़ा दूसरी कहानी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। This eye is not a virtual image. Virtual image जैसा कोई concept है ही नहीं, होता तो इसको भी दिखता।
ओ को क्यों दिख रहा है? क्योंकि ओ के आंख में ये लाइट रे गई और वो उसके रेटिना पर एक रियल इमेज बना रही, जब कभी असली लाइट होगी उसी की वजह से जो भी सेंसरी विजन में आयोडाइड कुछ नर्व ऑप्टिक नर्व सेल्स होती हैं, आपने नाम ज्यादा पढ़ा होगा, उनसे सेंसेशन प्रोड्यूस होता है और वो सिग्नल जाते हैं ब्रेन को। इधर कोई लाइट ही नहीं है, ना किसी के आई में लाइट जा रही है, ना किसी के लेंस में जा रही है, ना कोई कैप्चर होगा, ना कोई सेंसरी विजन, ना कुछ नर्वस सिस्टम, कुछ भी, नो चेंज, राइट। दिस वर्चुअल इमेज इज only perceived because a real image is formed at the retina of the person who is looking into the mirror, and that real image formed at the retina gives the illusion that yes, this is coming from such a distance. क्योंकि ये जो हमारा brain है वो calculate कर लेता है कि ये light पीछे किस कहाँ से आ रही हो, मतलब वो project कर लेता है based on the information। जैसे अगर आप एक आंख बंद करके एक आंख से भी देखो, आधा कुछ अगर दिख रहा है तो हमारा brain चलने लग जाता है, अच्छा इसका shape ऐसा कुछ होगा, something like that, that is a power given to us। So, जो हम देखते हैं वो क्या होता है, वो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज होता है जो हमारे रेटिना पे बनता है। आप आंख बंद कर लोगे आपकी इमेज गायब होगी, वर्चुअल इमेज इज गॉन बिकॉज नाउ लाइट इज नॉट एंटरिंग योर आई लेंस, देयर इज नो रियल इमेज रियल सेंसेशन एट द रेटिना, करेक्ट करेक्ट। यस सर बट ये सब स्कूल में लिखना ये सब समझाने के लिए था कि है क्या। इसी के बीच में बहुत सारे मिरर लगा के जादूगर खेलते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ, किसी का पेट काट दिया, किसी का सिर काट दिया एंड समथिंग लाइक दैट, दैट ऑल इज ट्रिक बेस्ड ऑन द मिरर्स, 90% नॉट ऑल, समथिंग सम मोर साइंस इज देयर बट देयर इज नो मैजिक। चलो अभी वापस आते हैं, अभी हम अपनी बात समझने के लिए सिर्फ इतना कर लेते हैं कि एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, बट दैट वर्चुअल इमेज विल बी परसीव्ड ओनली इफ देयर इज सम पर्सन, सम कैमरा इज टू कैप्चर दैट रिफ्लेक्टेड लाइट रे एज इन द फॉर्म ऑफ रियल इमेज एट द रेटिना ऑफ दैट पर्सन। ये स्कूल में मत लिखा ना वरना काट के जीरो मिलेगा, ठीक है? स्कूल में से हाँ, स्कूल में से इतना ही दिखाना है, बस एक ऑब्जेक्ट है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, पीछे बढ़ा दिया, मिल गई, खत्म, दैट्स इट। इसके आगे दुनिया इंटरेस्टिंग नहीं है इनके लिए, मतलब नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कूल। दिस ऑब्जेक्ट लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक, बस अ रियल ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। थोड़ा लाइट ना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग और खतरनाक चैप्टर है, खतरनाक इन द सेंस की द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एट द जे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस लेवल की। सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट, फील इट एज इन की दोबारा कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पर रियल है, कहाँ पर वर्चुअल है। प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ, सॉरी, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। बाई यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम वो सब प्रूव कर सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी एग्जैक्टली सेम। कैसे प्रूव होगा ये? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल, ये थीटा थीटा इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स दोनों एंगल इक्वल होगा, सो दिस बिकम्स द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, इसलिए जितने डिस्टेंस पे आगे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनेगी। So when it was a point size object, this was the case of point object. Right? Yes, sir. तो रियल इमेज प्लेन इमेज फॉर्म, थोड़ा सा हम एक और सच समझते हैं, ये क्लियर? इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? आदित्य सहन? अच्छा, एग्जाम में क्या लिख क्या होगे स्कूल के एग्जाम में, द प्लेन मिरर फॉर्म्स, कि प्लेन मिरर का तो रोल इतना ही था, अब वो दिखे ना दिखे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, आप खड़े हो मिरर के सामने, आंख बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इमेज तो बन ही रही है।
So a plane mirror forms virtual image at the same distance. Plane mirror forms virtual image at the same distance behind it. Virtual image of a real object at the same distance behind it. Right? Okay. Now, is it possible for plane mirror to form real image? Or can we form real image using a plane mirror? Can we form plane mirror? Using a plane mirror, can we form a real image? Sir, object agar. Object agar. सर रियल इमेज बन तो रही है हमारी रेटिना में. अबे वो तो आंख का कमाल है, वो तो इस लेंस का कमाल है, प्लेन मिरर का थोड़ी है. प्लेन मिरर तो ये खत्म हो गया भाई, कंफ्यूज मत हो यार, वरना गलत चीज पढ़ा दी मैंने. दिस इज ओनली रोल ऑफ प्लेन मिरर, दैट्स इट. उसके आगे तो उस आई का टैलेंट है, उस कैमरे का टैलेंट है जिससे आप मिरर सेल्फी ले रहे थे. हाँ, can plane mirror form real image? Sir, object virtual hota. What does this, what does that mean? Sir, mirror se laga den. Haan? Kya laga den? Sir, for mirror to form. Samjha nahi, fir se bolna. Sir, matlab ek aur mirror to form. Beta, ye mat karo. इससे कुछ नहीं होता सर, आई एम जस्ट गेसिंग. इट्स नॉट गेसिंग. गेसिंग देन एक्सप्लेन व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. यू यूज द वर्ड इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सर मैं तो मैंने देखा था गूगल पे. हां वही कह रहा हूं ना, इसलिए गूगल से फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता. सर आई जस्ट वांटेड टू नो दैट फॉर माय सेल्फ इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी वर्चुअल. No, you can do any study after the class, not during the class, just to answer. That's not the right way of studying. That's called cheating, by the way. No, I didn't do that for this answer. I just did it a few minutes ago. Okay. Now you are being smart. Very good. Virtual object. Virtual object kya hota hai? Virtual object jaise kuch chidiya hai, wo kya hai? Real object was jahan se light actual mein nikalti hai. Online mein bas yahi bahut bada drawback ho gaya. That's the biggest drawback. In the online, every question is. अभी अभी शायद आपके बैच में किसी बैच में हुआ, मैम ने मैथ्स के टेस्ट में डिजिट चेंज किए, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, डिजिट चेंज है 138 का जो भी 142 या समथिंग कुछ किया है, गूगल पे 138 है तो 90% बच्चों का सेम आंसर है, डिजिट ही चेंज कर दी, पेपर का क्वेश्चन ही चेंज कर दिया. उससे मतलब इन्हें टीचर ने क्या क्वेश्चन में दिया, दो लाइन लिखी गूगल में, दो शब्द, हर क्वेश्चन गूगल में आ ही जाता है, ऑनलाइन इंटरनेट पे है, उससे कोई मतलब नहीं कि क्वेश्चन में क्या था. मैं एक पीटीएम करने वाला हूँ फॉर ऑल दीज थिंग्स, ऑनलाइन पीटीएम होने वाली है, मतलब इट विल बी डिफरेंट डिफरेंट डेज विद डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स विद द पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स ऑन द सेम जूम कॉल, क्योंकि इट इज नॉट हेल्पिंग, इट इज डिस्ट्रॉइंग योर एबिलिटी. मतलब ये तो बहुत ही बड़ा क्या बोलूं मैं, डिजिट चेंज की टीचर ने, लेकिन गूगल पे जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के डिजिट को कॉपी करके एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व किया. I don't know if it was your batch or other batch. मैंने देखी कॉपी तो it was और चलो virtual object होता है, क्या होता है, ये real object है, light है कहीं पे, light source है, इस object के through light आ रही, this is called real object. Virtual object क्या है? Suppose at some point कहीं से light आई और वो light आपस में intersect हो रही है, this is some light reflected from कहीं से भी, sunlight या किसी भी light से. This is called converging beam. यानी यहाँ पर किसी की इमेज ऑलरेडी बन रही है, क्योंकि लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है. This point is actually a real image of some other thing, some other object maybe, don't know.
Now, if we introduce a mirror before the convergence point, अगर हमने सपोज यहां पे रख दिया मिरर, अभी क्या हुआ, लाइट इस मिरर के आगे जा नहीं सकती, लाइट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस मिरर ऑब्वियसली. यस सर, बिकॉज ऑफ पॉलिश सरफेस. बिकॉज ऑफ पॉलिश सरफेस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो नाउ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच वॉज अर्लियर आई, दैट पॉइंट will now be behaving as a virtual object. That point will now behave as virtual object. जहां पर ये light पहले मिल रही थी, अगर उसके point of intersection से पहले हमने एक mirror, कोई भी तरह का mirror, plane mirror, concave mirror, any type of lens if you put, then that point start now. Start to some power problem. Okay, come back. बेटा मैं जानबूझ के स्टॉपिंग में स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जल्दी बोला बुकिश वाला मेथड नहीं पढ़ाना है, क्योंकि 99% लोग वही पढ़ते हैं, थोड़ा फील आनी चाहिए. जो रियल इमेज थी पहले किसी ऑब्जेक्ट की, अगर उस इंटरसेक्शन से पहले हमने मिरर रख दिया, नाउ दैट पॉइंट स्टार्ट बिहेविंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी प्लेन मिरर से, और वो रियली इंटरसेक्ट होगी किसी पॉइंट पर, एंड दैट पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज. सो एट दिस पॉइंट नाउ वी विल गेट अ रियल इमेज. So plane mirror forms a real image, yes, when the object is virtual. What is the virtual object? Before the point of convergence of the light beam, which is also called as pencil beam or converging beam, क्योंकि ये pencil के tip की तरह लग रही है. Converging beam of light के पहले, convergence के पहले, अगर हम कोई plane mirror या कोई भी mirror introduce कर देते हैं, then that point behaves as virtual object. Plane mirror forms real image of virtual object and virtual image of real object. ये virtual object का concept समझ में आ गया? What is virtual object? जो पहले किसी की real image बन रही थी जिस point पर, उस point of intersection से पहले अगर हमने mirror रख दिया या lens रख दिया, that point will behave now as a virtual object for this mirror. जो नया mirror रखा है उसके लिए. For that virtual object, the image formed will be real image. So a plane mirror forms real image, but of. समझ आ रहा है? सर एक बार ये फिर से समझा दो. Real forms real image of virtual object. थोड़ा practical example लेते हैं. कभी बचपन में वो किए? Mirror से sunlight को किसी की आँख में या watch से. है ना, सनलाइट में जाके खड़े होते हैं मिरर से इलाज करते हैं, या वॉच के से किसी के आंख में, है ना, सो दैट पॉइंट दैट प्रोड्यूस ग्लेयर इन द आई, स्कूल में करते हैं टीचर के आंख में मारते हैं सब कुछ, सो दैट इज एक्चुअली यू आर फॉर्मिंग अ रियल इमेज. क्योंकि अब वो असली सनलाइट है, असली सनलाइट, असली रेज है जो उसकी आंख में जा रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग ट्रबल. तो वो जो लाइट है वो कौन सी लाइट है, जो कि सन से कहीं आ रही थी, आपने उस लाइट के कन्वर्ज होने के पहले ही एक मिरर कोई सरफेस रख दिया, दैट सरफेस इज रिफ्लेक्टेड इट. सो पॉइंट ऑब्जेक्ट जहां पर लाइट रेज सन लाइट है, इट इज कमिंग एंड इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट इन योर रूम. कि सन से लाइट रेज पैरेलल थोड़ी आती है, हर जगह से रिफ्लेक्ट होके इज कमिंग इन ऑल द डायरेक्शन, राइट आदित्य? Yes, sir. बीच में रख दिया मिरर, अब मिरर के सरफेस से आगे तो जा नहीं सकती, सारी की सारी लाइट रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई वापस. The light rays which were going and converging that point of convergence, now it cannot go beyond it. That point start behaving as virtual object for this mirror, and इससे जो इमेज मिलेगी वो अब रियल इमेज हो जाएगी. सो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल होगी.
जितने आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज. सो प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज, यस. प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट. ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी आज. हम और इसको अच्छे से सर, करेंगे. स्कूल में नहीं ले सकते ना सर कि प्लेन में रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाते हैं. हाँ मत लिखना बेटा, क्यों पंगे लेना है. जो नंबर मिल रहा है वो भी कट जाएंगे. बट कंप्लीट तो सही है कि प्लेन में रहे वर्चुअल इमेज बनाएगा रियल ऑब्जेक्ट की और रियल इमेज बनाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. स्कूल में वही लिखना है जो बुक में लिखा है या जो टीचर ने लिखाया है. मोर इम्पोर्टेंटली टीचर बहुत इगोइस्ट क्रिएचर होता है. जो आपने जो टीचर ने लिखा है वही लिखना है आपको. ठीक है, ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो स्कूल में नंबर नहीं करेंगे. इसलिए कम्पिटेटिव लेवल पे दिखाओ स्मार्टनेस. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मैं जानबूझ के इसको चल रहा हूँ. आप साथ साथ पढ़ते रहो. एच सी वर्मा इज द बुक दैट आई हैव रिकमेंडेड. यू हैव टू गो थ्रू द एच सी वर्मा एंड रीड इट केयरफुली. अभी हम थोड़ा स्लो चलेंगे इनिशियली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जनरली मिसिंग होते हैं बुक्स में. ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. नेक्स्ट क्लास विल सी द लीनियर ऑब्जेक्ट. अभी हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखा है सर. पॉइंट ऑब्जेक्ट एट फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म विल बी पॉइंट ओनली. अगर रियल इमेज है ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज होगी, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज. ठीक है, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्लास एंड आई विल अपलोड द टेस्ट. दिस विल बी लाइव फॉर द होल वीक, सो देयर इज नो एक्सक्यूज दिस टाइम कि आपको टाइम नहीं मिल रहा. मंडे पेपर था, संडे ये था, ट्यूजडे वो था. टिल मंडे टिल फ्राइडे द होल वीक टेस्ट विल बी लाइव फ्रॉम योर वेरी बिजी शेड्यूल. फाइंड वन आवर टाइम. इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट. Electricity only, yes. The whole electricity, not the charge part. The first chapter. Sir, that एक query थी मेरी. बोलो. Sir, आपको पता होगा ये trends के बारे में. Sir, IIT में negative marking होती है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर competitive exam में negative marking होती है. जिस साल मैंने दिया था ना वो ये negative marking थी. Correct plus 5. Incorrect minus 3 for 10 question plus 4 minus 2. I'm talking about 2006. Abhi to bahut relax ho gayi hai. If you are getting correct multiple choice question, then plus 5. If any one of you though don't mark, then minus 3. Total marks you lose 8. Samajh gaye? And yes, plus sir. 4 minus 1. Is tarah ke question the. 10 question of this type, 10 question of this type, 10 question of this type, and it was more than one correct answer. सही है तो ठीक है, नहीं तो गए 8 नंबर आपने लूज कर दिए. हर कॉम्पिटिटिव ढंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है टू फिल्टर आउट द गेस वर्कर्स. कुछ लोग गेस करके फिर 4A 4B जय माता दी, है ना. ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं लोग, कुछ कुछ टीचर्स बताते हैं बेटा कुछ नया. 4A 4B 4C 4D 4A 4B 4C 4D ऐसे कोई भी दुनिया में मैजिक नहीं है. डोंट यूज एनी सच थिंग. Okay, thank you. I have another class at 4.